देख के टॉम क्रूज के बाप बाबा जी अपनी बाबी को लेते हुए यकीन। अच्छा जी, तो वेल अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टूर एडवेंचर से भरपूर होने वाला है और आज हम जा रहे हैं खानपुर डैम। बाकी खानपुर डैम के रास्तों के बारे में बात की जाए, एक रास्ता जाता है मोटरवे से, तो दूसरा जाता है जीटी रोड से, और तीसरा रास्ता जिससे हम जा रहे हैं वो है मोनाल से। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको गाइड करेंगे कि आया ये रास्ता कितना लेंथी है, कितना टाइम लगता है, और बाकी आपको इसमें एक्टिविटीज़ दिखाएंगे जो कि खानपुर में होती हैं। ये बात अलग है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है। तो आज मेरे साथ तहा होने वाला है, तो आए आपको भी तहा से मिलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसा फील करें। हाँ भाई लाले, तो कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा फील नहीं कर रहा मैं। 20 रीटेक के बाद एनर्जी लो हो चुकी है और अभी एक लाले ये बातें करने वाली नहीं होती, तो अभी मेरा भी कोई तीसरा चौथा रीटेक है और इंशाल्लाह हम अभी जाने वाले हैं वाया मोनाल और आप लोगों को बहुत फन एक्टिविटीज मिलेंगी और अभी हम अपने सफर का आगाज करते हैं। मौसम बहुत जबरदस्त है, बड़ा एंजॉयबल है, तो मिलते हैं हम हम्टी डम्टी के साथ। चले फेयर इनफ, रास्ते में मुलाकात होती है। अच्छा जी, तो जैसे ही हमने वहां से जाने का इरादा किया तो हमारी नज़र एक बिल्ली पे पड़ी, या ये कहना ठीक होगा कि उसकी नज़र हमारे पे पड़ी, और यकीन माने बिल्ली इतनी क्यूट थी कि हमारे कदमों में आके बैठ गई। बाकी आप सिचुएशन देखें कि क्या हुआ। ये आपको मैं तारीख में फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ, एक लंगूर को एक बिल्ली से मोहब्बत हो गई है। तो जनाब सब सीन चेक करें। लाले बस छोड़ दे, वो रज गई है तेरे से। खैर ताहा के बाद मेरा भी दिल किया कि बिल्ली के पास जाऊं, लेकिन यकीन माने जैसे जैसे मैं इसके पास जाता था वैसे वैसे मुझसे ये भाग रही थी। वो कहते हैं ना कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, और यकीन माने वो इस वक्त ताहा के हक में वर्क कर रहा था कि मैं बिल्ली के पीछे पीछे था और बिल्ली ताहा के पास जा रही थी। तो ये सिचुएशन थी, तो चलें आगे आप देखें। अपनी इसको अल्लाह हाफिज कर दे यार, चेक करें ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, और आज से मेरा यकीन इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन हो गया। अच्छा जी, तो हम दामने को आए में हों और आपको इनसे ना मिलाएं, यार ये कैसे हो सकता है? तो आए आपको भी मिलाते हैं। ताहा क्या कर रहे भाई, क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आपको इतने भी अलाउ नहीं है हमें। हाँ, थोड़ा सा फन क्रिएट करने के बाद हमने एक बार फिर से अपने सफ़र का आगाज़ किया, और अब हमारा गोल था कि कहीं से अच्छा सा नाश्ता किया जाए, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे और हमने नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से हमें भूख लगी हुई थी। तो इस काम के लिए हमने मुंतखब किया पिशावर रोड पे एक होटल का, और यकीन माने बहुत ही मज़े का नाश्ता था, और बाकी सीन आप चेक करें। अच्छा जी, तो इस वक्त हम अपना नाश्ता करने पहुँच चुके हैं, और ये सीन है, नाश्ता आ गया, तो बाकी अभी तो अप टू यू। नाश्ता आया है और ये मेरा नाश्ता आया है, मियाँ साहब का नाश्ता भी आ रहा है, अंडे तैयार हो रहे हैं। तो सफ़र से याद आया कि एक सफ़र शुगरान में थे हम, और मियाँ साहब ने माशाल्लाह खाली 6 अंडे और 8 पराठे खाए थे। फाइनली शुक्र है आज डाइटिंग पे हैं, तो खाली 2 अंडे और 2 पराठे ही खाएँगे। तो बड़ा ज़बरदस्त सा व्यू है बैक साइड पर, बड़ा लैविश सा सीन है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये है कि नींद से थोड़ा बुरा हाल है, लेकिन ये है कि इंजॉय कर रहे हैं। तो बाकी अभी हम आपको मिलेंगे अपने सफ़र में, तो अभी हम नाश्ता करते हैं, और ये ऑमलेट और ये पराठे जो खाली मेरे हैं। अच्छा जी, तो नाश्ता कर लेने के बाद हमने फिर से एक बार अपने सफ़र का आगाज़ किया, और अभी आपको मैं बताऊंगा कि कहां से आपने मुड़ना है अगर आप मोनाल के रास्ते से यानी पिशावर रोड से जाना चाह रहे हैं खानपुर डैम। जी, तो ये सिचुएशन है, आपने पिशावर रोड से सीधा मोनाल से आगे आ जाना है, और ये जगह देख लें, ये वाली जगह, तो यहाँ से आपने इधर टर्न ले लेना है। हमें भी देख लें। हाँ, इन्हें भी देख लें, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने टर्न लेना है, तो इस रोड पे आपने चले जाना है। तो बाकी कंडीशन मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या कंडीशन है ट्रैक की, और चलें फिर सफ़र स्टार्ट करते हैं।
मैंने कहा आपको गाइड कर। रोड कंडीशन के बारे में बात की जाए तो इनिशियली सड़क थोड़ी नैरो है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे मूव करते हैं वैसे वैसे सड़क वाइड होती जाती है और बाकी गांव के अंदर से होके जाती है। और यकीन माने गांव के व्यूज़ बहुत ही कमाल के हैं। और बाकी ये मैं रास्ता आप लोगों को सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये गाँव के अंदर से जाता है और आपको ट्रैफिक का इशू एज सच कोई फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने वापसी GT रोड से की और यकीन माने GT रोड पर ट्रैवल करना बहुत जलालत है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। अगर आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से जाएं। एक तो आपको व्यूज़ अच्छे मिलेंगे और सेकंडली आप ट्रैफिक से महफूज होंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, तो थोड़ा सा जो इसमें रास्ता है 5 से 10 मिनट का, वो थोड़ा सा रफ़ पेच आता है दरमियान में क्योंकि उधर काम चल रहा है, तो बाकी रोड ओके है। तो बाकी आप देखें कि हमारे साथ हुआ क्या, तो मुलाहिज़ा फरमाएं। वेल, इस वक्त हम खानपुर डैम पहुंच चुके हैं और सिचुएशन ये है कि मौसम बहुत ही अच्छा है और जो हमने रास्ता लिया है वो भी ठीक था, इतना कोई ख़राब नहीं है। दरमियान में थोड़ा सा ख़राब पेच आता है लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं करनी, यू कैन ट्रेवल। तो बाकी अभी हम इधर के एडवेंचर करने वाले हैं, आपको भी दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या हिसाब किताब है, इधर कितने में क्या चीज़ हो जाती है। हाँ भाई लाले, कैसा फील कर रहे हो? फील तो बड़ा जबरदस्त सा कर रहे हैं और हमने डील भी कर ली है। डील हो गई है? डील हो गई है। अच्छा जी, और चंदा, हमारे चंदा कहाँ तक पहुँचा? चंदा तो अभी चांद पे है, तो हम गोदरी मिलते हैं। असल में आपने भी नोटिस किया होगा कि हम सुबह के टाइम निकले थे और लेट होने की वजह यही थी कि हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो जी जनाब साहब, चंदा इकट्ठा हो गया, तो अभी हम अपनी एडवेंचर स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे किसी एडवेंचर पे। यस, तो ये सिचुएशन है, अभी हम अपना एडवेंचर का आगाज करने वाले हैं। तो बाकी अभी आपको रेट्स वगैरह दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है? तो जनाब साहब ये रेट्स लगे हुए हैं, ये आप देख लें, ये सिचुएशन है। इधर आप आ रहे हैं तो ये आपके जहन में होने चाहिए। ये ट्राई करने वाले हैं, जेट स्काई करने वाले हैं, करने वाले हैं ट्राई। तो लाले, आप कैसा फील हो रहा है? फील तो बड़ा जबरदस्त। आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आके आप इनसे बात करें तो आपको इनके मुनासिब रेट में भी हो जाएगा। जी हाँ, डिस्काउंट तो कर देंगे। स्काई जेट में क्या मजा आता है, तो अभी हम चलते हैं अपनी स्काई जेट। कौन सी वाली है? ये वाली। तो जी जनाब साहब, ये सिचुएशन है, इस बंदे ने जैकेट भी पहन ली है और मुझे देख ले, बिल्कुल तैयार है। चल भाई लाले, बस जनाब साहब हमारी तैयारियां मुकम्मल है, तो अभी तहा जा रहे हैं, बस मिलते हैं सफर पे। चले जी, ओके लाले। चलो जी, सो जी फाइनली। अच्छा जी लाले, क्या सजेशन देगा इधर आके ये स्काई करनी चाहिए? इधर आए और स्काई ना करें तो क्या मजा? तो बड़ा जबरदस्त सा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा मजा आया, लेकिन गाइड का होना लाजमी है क्योंकि फिर आपसे ये काबू नहीं होगी। तो अभी आप जाए, आपको पता चलेगा कि कैसा मजा। चले जी, वेल ठीक हो गया था। तो ये सिचुएशन थी, आप भी आए, लाजमी ट्राई करें, बहुत ही एक यूनिक सीन है, एडवेंचर है, आपका मेमोरीज बनती है और एक अलग से एक्सपीरियंस होता है। अभी बाकी मैं जा रहा हूँ और ट्राई करने वाला हूँ, बाकी देखें क्या होता है। अभी हम स्काई करने वाले हैं, तहा ने तो कर ली है, अब मेरी बारी है, लेट्स सी क्या होता है। तो बाकी आपसे आके मुलाकात होती है। तो इधर आए तो आपने ये एक्सपीरियंस भी करना है ये एक्सपीरियंस भी आपने लाजमी करना है, प्रॉपर इस तरह। और ये आपको रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड तहा की तरफ से, और ये भी करना है, ठीक हो गया? ये भी, हाँ ये आप फ्री में कर सकते हैं, इसके कोई पैसे नहीं है, जबरदस्त ये। अच्छा, इधर हमारे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ ना, कि अच्छा भला हमारा बंदा ठीक था, पता नहीं इसका पानी में पाँव डालते साथ ना कौन सी रूह इसमें जाग गई। तो बाकी बंदे की जरा कमेंट्री आप मुलाहिजा फरमाएं। आपको एक बाबा भाभी दिखाता हूँ, ये छुपके से ये देखें, ये बाबा जी से कश्ती हो गई है बंद, और नहीं वो दूसरा आ रहा हूँ, ये देखें जी, बाबा जी ने खेली है एक अनोखी ट्रिक, और ये देखें बाबा जी डरा रहे हैं कि नीचे गिरा दूंगा। 10 मिनट के बाद बाबा जी ने ये चलाना शुरू किया और ये चेक करें, जवानी याद आ गई है जी, हाँ हाँ वाह वाह, ओ तेरी, ए वाह
तो ये देखे टॉम क्रूज के बाप बाबा जी अपनी बाबी को लेते हुए, वाओ, यकीन माने ऐसी राइड, डेंजरस, एडवेंचरस से भरी हुई राइड। हमने अपना एडवेंचर एक्सपीरियंस कर लिया है और ताहा ने अभी आपको एक कहानी भी सुनाई है, होप सो आपने सुनी होगी और इंजॉय भी की होगी। तो सीन ये है कि बहुत ही अच्छी जगह है, आपको इधर विजिट करना चाहिए। और बाकी थोड़े रेट्स की बात की जाए, वो थोड़े हाई एंड पे हैं कि लाइक प्राइसेस ज़्यादा हैं, लेकिन आप निगोशिएशन करें और इंशाल्लाह कोई दरमियानी राह में आप रेट तय कर लिया करें। तो इस्लामाबाद के करीब जगह है, यू शुड विज़िट। और बाकी अभी हम वाटर वाले एडवेंचर साइट पे थे, तो इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं पैराग्लाइडिंग वाले साइट पे, तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है, कैसे एक्सपीरियंस है हर डेट्स का। तो ये सीन था, तो मिलते हैं आपसे उधर। खैर पैरासेलिंग की साइड पे तो हम ना जा सके क्योंकि उधर के रेट बहुत हाई थे, तो बहरहाल हमने गोला खाने पे इस्तेफादा किया और बाकी सीन आप मुलाहिजा करें। तो सिचुएशन ये है कि गर्मी बहुत थी और हम इधर खा रहे हैं गोला, आइस वाला गोला। और खानपुर में आए ये खान लाले, इनके पास आपने गोला लाजमी ट्राई करना है, बहुत मजे का गोला है। और ये सीन चेक करें जरा, बहुत ही कमाल का है। हम भी खान बाबा के साथ। यार यकीन माने गोला वाकई बहुत मज़े का था कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा गोला खाया है। और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि जब कभी आप खानपुर डैम आएँ तो इधर का ये गोला लाजमी ट्राई करें, बहुत ही मज़े का है। और बाकी इसके बाद आपको ले चलते हैं एक और साइड पे, तो बाकी सीन आप देखें। अच्छा जी, तो ये ज़रा ऊँट चेक करें कितना ही कमाल का है, और इसे भी लगता है सेल्फी का शौक है। और ये ताहा हमारे साथ कुछ जानवरों का रिश्ता अच्छा चल रहा है, पहले हमें बिल्ली मिली है, अब हमें ऊँट मिल गए, देखें भी मिले थे। हाँ लंगूर भी मिले थे, आगाज ही में लंगूर मिले थे और पूरे सफर में एक पांडा भी था मेरे साथ। तो जी जनाब सब ये सीन है, अभी हमारा सफर का इख्तिताम हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नए मंजिल पे, किसी नए सफर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।